वेलकम टू मनीष राव क्लासेस। आज है 28 जनवरी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहली करंट अफेयर है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया निपर रिसर्च पोर्टल। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने 28 जनवरी 2022 को निपर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पोर्टल सभी निपर और उनकी शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए उद्देश्य बनाया गया है। यह अन्य शोधकर्ताओं को संबंधित संगठन के संपर्क में आने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, SBI जो है बैड बैंक की स्थापना के लिए भारतीय स्टेट बैंक को मिली सभी स्वीकृतियां। SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने जानकारी दी है कि नेशनल बैड एसेट्स कंपनी की स्थापना के लिए सभी जरूरी स्वीकृतियां मिल गई हैं। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में NARCL को 15 खाते हस्तांतरित किए जाएंगे। बैड बैंक एक कॉरपोरेट इकाई है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों या बैंकों के समूह द्वारा रखी गई अतरल और जोखिम भरी संपत्ति को अलग रख करती है। नेक्स्ट, एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर किया कैपिटल ए। मलेशिया के एयर एशिया ग्रुप BHD ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी का नाम बदलकर कैपिटल ए BHD कर दिया है। ये कोर बजट एयरलाइंस से हटकर अपने व्यवसायों के बढ़ते पोर्टफोलियो की बाजार में अपनी पहचान बनाना चाहता है। एयरलाइन व्यवसाय एयर एशिया ब्रांड को बरकरार रखेगा जो एशिया में प्रसिद्ध है। कैपिटल ए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोनी फर्नांडिस ने यह जानकारी दी है। नेक्स्ट, ऋण निधि लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक और स्क्यूब कैपिटल की भी समझौता हुआ है। फेडरल बैंक ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रबंधन के तहत लक्षित परिसंपत्ति के साथ एक ऋण बॉन्ड निधि लॉन्च की है। इसे सिंगापुर स्थित फंड मैनेजर स्क्यूब कैपिटल और इक्विरस वेल्थ के सहयोग से लॉन्च किया गया है। बैंक के केवल NRI ग्राहक ही US डॉलर फिक्स्ड मैच्योरिटी बॉन्ड फंड में निवेश कर सकते हैं। यह 6.5% प्रतिवर्ष के पोर्टफोलियो लीवरेज टारगेट रिटर्न गाइडेंस की पेशकश करेगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने जीता TX2 पुरस्कार। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह ईरोड जिले में स्थित है और अब इसके 1408 वर्ग किलोमीटर परिसर में 80 बाघ हैं। जंगली बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए नेपाल के बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान को भी संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रदान किया जाता है।